cineinc.com. Former BBC journalist and television veteran Pervaiz Alam is with me tonight. He's joining us from Delhi. He spent many, many years working in London as a journalist. Pervaiz, what has been the trigger here? Why has it become so big? We can't deny the fact that Britain is going through a crisis of economy and other issues as well. Mervyn King, the governor of Bank of England, just today actually announced a cut in the forecast growth from 1.8% to 1.5%. Millions of people are unemployed. And the governor of England himself has been quoted saying that the UK is enduring the longest and the deepest freeze in the standards of life since the 1920s. So here we are talking about the serious economic situation. Somehow has also created a number of problems. The assimilation is not taking place due to various reasons. The politicians are exploiting it, and the Turks and the racists are also exploiting it. So that's also another reason. In comparison to the people who come from the Caribbean communities, and there's a kind of an anger, an element of anger against the people, against the communities who are doing well. आपका पत्रकार यहाँ से लंदन में जाए उसको नौकरी मिल जानी चाहिए गार्डियन अखबार exactly. न्यूयॉर्क में मिल जानी चाहिए, वो तभी मिलेगी जब आपने उसको 3 साल में 4 साल में एक सॉलिड पत्रकार बनाया होगा. तो उसमें पत्रकारिता वो होनी चाहिए जो देश में और विदेश में जो मापदंड हैं उन पे खरी उतरती है. एक पत्रकार आप कैसे बना देंगे अगर वो कभी टीवी स्टूडियो में नहीं घुसा, कभी रेडियो स्टूडियो में नहीं घुसा, कभी उसने अखबार का दफ्तर का मंजर नहीं देखा, वो कैसे रिपोर्टर बन जाएगा? खासतौर पे हिंदी और जो हमारे जो क्षेत्रीय अखबार हैं उनमें एक बार ये समस्या आती है. बड़े अच्छे लोग हैं पत्रकार, और हम जब उनसे बात करते हैं कि आपने ये खबर क्यों नहीं कही, और ऑब्जेक्टिविटी अलग चीज़ है, न्यूट्रलिटी अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए किसके साथ ज्यादती हुई, क्यों नहीं कहते आप? तो उनका ये कहना है कि हमारा जो पाठक है उसको शायद उस खबर को वैसे लेने के लिए तैयार नहीं है. देश में अगर तनावपूर्ण माहौल बनाएंगे आप किसी और वजह से भी, वो कहीं ना कहीं नफरत का जो बीज है वो जरूरी नहीं है कि वो अफ्रीकन के खिलाफ निकलेगा, वो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ भी निकल सकता है, वो किसी और के खिलाफ भी हो सकता है. जो अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं जैसे कि लीबिया में, इजिप्ट में और सीरिया में, वो एक लेवल पे इतनी डिस्क्रेडिट हुई कि बार बार उनको अपनी रणनीति को बदलना पड़ा. तो अगर भारत उस जैसे वॉर ऑन टेरर जो सो कॉल्ड उन्होंने कह रखा है 2001 से लगातार, अगर वो फर्स्ट करिए उसमें सवार होता तो भारत को भी हर 2 साल बाद 4 साल बाद अपनी सारी इक्वेशंस बदलनी पड़ती, इसलिए कि भारत के संबंध बहुत नाजुक हैं, बड़े खूबसूरत हैं. भारत में एक जो स्कूल है जिसका मैं बड़ा समर्थक हूँ, और एक पत्रकार की हैसियत से भी, कि आप डिस्टेंस किए रखिए उन पॉलिसीज पे अमेरिका से, लेकिन हाँ व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है और टेक्निकल आदान प्रदान का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत और अमेरिका बहुत जबरदस्त घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं. हमें उन सवालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिनमें ये बात बार बार उठाई जा रही है कि पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए और मीडिया का क्या रोल होना चाहिए. मीडिया को आत्ममंथन की बेनतहा जरूरत है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से अटैक्स कर रही है मीडिया पे वो नाकाबिले बर्दाश्त. सुनिए, अब जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, अब मेरा जवाब सुन लीजिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिए. ऐसा होता है वहां बैठ के साजिशी थ्योरियां बनाना भाई बहुत बड़ी आसान बात होती है, लेकिन दुनिया को पर्सपेक्टिव में आप भारत को एक बहुत ही संकीर्ण विचारधारा से देखते हैं, मैं भारत को एक दूसरी तरह से देखता हूँ. आपको पता है भारत का सीन क्या है? आपको अंदाजा नहीं है. अंदाजा ये नहीं है कि आज भारत में $18 बिलियन के आसपास मीडिया में इन्वेस्टमेंट है. मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक छोटी सी किसी चीज को ये मान के कि बीबीसी पूरा का पूरा गड़बड़ है, थोड़ा गलत है भाई. मैं गंभीरता से सोचता हूं तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी का एक डेडली मिक्स है, लीदल कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, और उसमें यह है कि विकास की बात करते हैं राजनीति और खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मुक्त बाजार की बात करते हैं, सही है बात, लेकिन सच बात यह है कि जब ये मुद्दे कमजोर हो रहे होते हैं तो बड़ी खामोशी और बहुत प्यार के साथ साथ में वो जो डेडली मिक्स है, वो धर्म का जो 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 ध्रुवीकरण है, जो पोलराइजेशन, उसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सच बात यह है कि यूपी में भी उसका इस्तेमाल, लेकिन वो वॉल्यूम्स पर खेल रहे हैं, आप ये देखिए बाज जगहों पे नहीं चलता वो कार्ड, तो जिस मिसाल के तौर पे गोवा में नहीं चलता, पंजाब में नहीं चलता या और दूसरी जगहों पे, लेकिन ये कि यूपी में, बिहार में, हिंदी बेल्ट में वो कार्ड चलता है और बड़ा सॉलिड चलता है. तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि केवल विकास के लिए वोट नहीं है, ये जो बीजेपी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है, जो बड़ा लीडल कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो बैलेंस कर देते हैं. मिसाल के तौर पर अगर विकास के साथ जीत सकते हैं तो जीतिए, लेकिन अगर विकास का पलड़ा नीचे जा रहा है तो
तुरंत पहली फुर्सत में तो रिलीजन को इंट्रोड्यूस कर। आरिफ साहब, अगर मैं ये कहूं कि मुझे दोनों पे एतराज है तो आपको क्या परेशानी? मुझे कोई, मैं तो अब वो आपको परेशानी, यही तो मैं इतने सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको ये परेशानी तब पैदा होती है जब दूसरी तरफ पोलराइजेशन हो जाता है। जब शुरू का पोलराइजेशन होता है तब आप एतराज नहीं करते, मैं तब एतराज करता हूं।